14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म अपनी जगह बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहना था सियासी जमातों के मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। अमरीका समेत सबसे दोस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाह है। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू। अदालत रवानगी से पहले बात करते हुए कहा, एक बार वजीराबाद, दूसरी दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की गई। पीडीएम आइन की धज्जियां उड़ा रही है, इलेक्शन से भाग रही है। तमाम पाकिस्तानी हफ्ते को चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए निकले। इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी। 7 केसेस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 10 रोज के बाद एडीसी में पेश होने का हुक्म। मरियम नवाज की चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इल्जाम तराशी। बुशरा बीबी का मरियम नवाज को कानूनी नोटिस। 7 रोज में गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा। इल्जामात पर मबनी मरियम नवाज की तकरीर का मतन भी नोटिस का हिस्सा बनाया गया। इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्जाम के खिलाफ पीटीआई का ख्वाजा आसिफ को 10 अरब हर जाने का नोटिस। तहरीरी माजरत ना मांगने की सूरत में केस दर्ज करने का इंतबाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर अली अमीन गंदापुर सखर को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। अदालती अहकाम पर अली अमीन गंडापुर 6 दिन के बाद रिहा हुए। मुख्तलिफ केसेस में मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाता रहा। सखर में अदालत ने तमाम केसेस में जमानत मंजूर कर ली थी और रिहाई का हुक्म दिया। कारकुनान का जश्न। अली अमीन सखर से पंजाब रवाना हो गए। दुखियारी माँ की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। 24 रोज गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का सुराग न मिल सका। अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अखबार पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीनों पर आकाश टॉप स्टोरी। आलमी सहाफती तंजीमों की मजम्मत। दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वामे मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंडिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी दारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. United Nations ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।